Hello everybody, today we are going to learn a new sentence structure which is about sentences when we say you could have helped me. आज दोस्तों हम एक ऐसा sentence सीखने जा रहे हैं बनाना जिसमें हम ये कहते हैं हिंदी में कि तुम मेरी मदद कर सकते थे, तो वो यहाँ जल्दी भी तो आ सकता था, या तुम थोड़ी देर और सो सकते थे. ये जो sentences होते हैं हिंदी में, सकता था, सकते थे, सकती थी, ये कैसे बनेंगे ये आज मैं आपको बताऊँगा. तो दोस्तों ये रहा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये इस स्ट्रक्चर में जो वर्ड्स हैं उनकी क्या मीनिंग है. तो दोस्तों पहला वर्ड है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सेंटेंस का वो वर्ड होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में कोई बात कही जा रही हो. जैसे अगर मैं कहूँ कि ये फ़ोन बहुत ही महंगा है, अगर ऐसा सेंटेंस मैं बना रहा हूँ कि दिस फोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो इस सेंटेंस में फ़ोन जो है वो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो महंगा है, तो इसीलिए फ़ोन ही उसमें सब्जेक्ट होगा. तो सब्जेक्ट. उसके बाद है कुड. कुड दोस्तों कैन का पास्ट टेंस है. कैन का मतलब होता है सकना. जैसे हम कहते हैं ना, मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. तो अगर पास्ट टेंस से बोल रहा हूँ कि मैं भूतकाल में कि मैं इस काम को कर सकता था, तो हमको कहना चाहिए आई कुड डू इट. तो कैन का ही पास्ट टेंस है कुड. तो चूंकि हमारा सेंटेंस ही वैसा है, सकता था, तुम मेरी मदद कर सकते थे, इसीलिए कैन का पास्ट टेंस कुड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ. हैव दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर में ही होता है. और उसके बाद है V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हम वर्ब के साथ डी या ईडी या ईएन ऐड करते हैं. जैसे ब्रेक मतलब होता है तोड़ना. ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, उसमें हमने ई एन ऐड कर दिया. जैसे स्पीक का मतलब होता है बोलना, और उसका थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन, यानी कि उसमें हमने ई एन ऐड कर दिया. जैसे एजुकेट का मतलब होता है किसी को शिक्षा देना, शिक्षित करना, उसका थर्ड फॉर्म बनेगा एजुकेटेड. तो हमको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है उसका असर जिस पर पड़ता हो उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो जैसे वही एग्जांपल है कि अगर मैं कहूँ कि उसने सारे केले खा लिए, ही एट ऑल द बनानास. अब खाने का असर किस पर हुआ? केले पर हुआ, केलों पर हुआ. तो इस सेंटेंस में कि ही एट ऑल द बनानास में जो बनानास है यानी केले हैं, तो बनानास वही ऑब्जेक्ट होंगे. तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़े. उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड्स. अदर वर्ड्स में नाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है अदर वर्ड्स की, तभी ही अदर वर्ड्स हमको यूज़ करना चाहिए. अदरवाइज हम अदर वर्ड्स की जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और उसको यूं ही छोड़ देंगे. इसके अलावा दोस्तों हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. तो पहला है आई. आई का मतलब होता है मैं. उसके बाद है वी. वी का मतलब होता है हम. उसके बाद दोस्तों यू. यू दोस्तों सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. यू सिंगुलर यानी एक वचन में उसका मीनिंग होता है तुम या आप. यू जब प्लूरल होता है तब उसके यानी बहुवचन होता है, तो उसकी मीनिंग होती है तुम सब या आप सब. ही का मतलब है वह. किसी भी एक लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे. हम उसकी जगह पर उसका नाम भी लिख सकते हैं, मनीष, राहुल. शी की जगह, शी का मीनिंग है वह है, और ये किसी एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है. शी की जगह पर हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं. इट का मतलब होता है यह. ये किसी भी एक नॉन लिविंग बीइंग के लिए, किसी एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. छोटे बच्चों के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है प्रोनाउन. और दे की जगह पर हम किसी भी प्लूरल यानी बहुवचन का नाम या वैसा वर्ड बहुवचन वाला लिख सकते हैं. जैसे बॉयज, गर्ल्स, या किड्स, चिल्ड्रन, एलिफेंट्स, कोई भी वर्ड हो सकता है. नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर्स, फैंस, टेबल्स, कुछ भी, बुक्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप. तो ये भी हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं, या ही, शी, इट और दे की जगह पर आप किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया. तो ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं. अब दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाए आपके लिए कि हम इन सेंटेंसेस को ठीक से समझ सकें कि सेंटेंस कैसे बनते हैं. जैसे इस सेंटेंस में कोई कह रहा है कि तुम मुझे सूचना दे भी तो सकते थे, सूचित भी तो कर सकते थे, यानी बता भी तो सकते थे. ऐसे नॉर्मल हिंदी बोलते हैं कि तुम मुझे बता भी तो सकते थे. तो दोस्तों ये बना सेंटेंस यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. तो ये कैसे बना ये सीखते हैं. यहाँ बना यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड. इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है इन्फॉर्म्ड. मी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है क्योंकि सेंटेंस में जरूरत ही नहीं है. तो आप मुझे
सूचित भी तो कर सकते थे, बता भी तो सकते थे, तो यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। ऐसे ही किसी और के लिए कहा जा रहा है कि वो मेरी मदद कर सकता था। ऐसे बना दोस्तों, ही कुड हैव हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, तो हेल्प्ड वही लिखा मैंने, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक प्रोनंसिएशन का एक रूल बताता हूँ जो काफ़ी हाई लेवल का रूल है। उसमें यह है कि ऐसे वर्ड्स में यहाँ जो डी है, यहाँ डी को ड नहीं बोल के ट ट ट ठ ड होता है हिंदी में, ट बोलना चाहिए। तो इसको हमको पढ़ना चाहिए यू कुड हैव हेल्प्ड मी, यू कुड हैव हेल्प्ड मी। ये डी से ट कब बनता है इसका भी एक वीडियो मैं बना के मेरा जो मेरे चैनल पे जो बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, एक प्रोनंसिएशन की प्लेलिस्ट है, उसमें मैं वो वीडियो अभी कुछ दिनों के बाद दे दूंगा। तो आप ये सीख सकते हैं कि डी को कब कब ट बोलते हैं। तो कोई कह रहा है कि ही कुड हैव हेल्प मी, वो मेरी मदद भी तो कर सकता था लेकिन उसने नहीं की शायद। ऐसे ही किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि उसको अगर कोई काम दिया गया था और उसने शायद देर से उसको पूरा किया, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो इस काम को जल्दी भी तो पूरा कर सकती थी। तो सेंटेंस बना शी कुड हैव कंप्लीटेड। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। तो शी कुड हैव कंप्लीटेड इट। इट उस काम के लिए कहा गया जिसको पूरा करने की बात थी। सूनर, सून का मतलब होता है जल्दी और सूनर का मतलब होता है और भी जल्दी। तो शी कुड हैव कंप्लीटेड इट सूनर, वो इस काम को और भी जल्दी पूरा कर सकती थी। वैसे दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है किसी के लिए कि कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो इस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो कहा जा रहा है दे कुड हैव डन इट बेटर, कि वे इस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस दे कुड हैव डन। डू का मतलब होता है करना और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो दे कुड हैव डन इट बेटर। इट इसमें ऑब्जेक्ट है, इट उस काम के लिए कहा जा रहा है जिसको किया गया, जिसको किया जाना चाहिए था। और बेटर अदर वर्ड्स में आ रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में। तो दे कुड हैव डन इट बेटर, वो इस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। वैसे दोस्तों एक सेंटेंस है कि यू कुड हैव स्लेप्ट अ लिटल लॉन्गर, कि तुम थोड़ी देर और सो सकते थे। कोई किसी को बता रहा है कि टाइम था बचा हुआ, कोई जल्दी नहीं थी, तुम चाहते तो थोड़ी देर और सो सकते थे, तुम बेकार ही पहले ही सो के उठ गए। तो यहाँ से मैं बताया जा रहा है यू कुड हैव स्लेप्ट। स्लीप का मतलब होता है दोस्तों सोना और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। तो स्लेप्ट यूज हुआ यहाँ पर। यू कुड हैव स्लेप्ट अ लिटल लॉन्गर। अ लिटल लॉन्गर दोस्तों एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है थोड़ी देर और। जैसे आप इसको और भी सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टे हियर अ लिटल लॉन्गर। ये जो लिटल लॉन्गर है, अ लिटल लॉन्गर का मतलब होता है थोड़ी देर और। तो यही कहा जा रहा है किसी से कि तुम थोड़ी देर और सो सकते थे, यू कुड हैव स्लेप्ट अ लिटल लॉन्गर। वैसे दोस्तों यहाँ कुछ लोग अपने लिए बात करें कि हमें उन लोगों को या उसे, हमें उसे फ़ोन कर लेना चाहिए था, हमने नहीं किया, गलती हो गई। तो कहा जा रहा है वी कुड हैव कॉल्ड हिम। ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस वी कुड हैव कॉल्ड। कॉल का मतलब फ़ोन करना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। तो वी कुड हैव कॉल्ड हिम। हिम ऑब्जेक्ट है इसमें, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है क्योंकि सेंटेंस में ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही दोस्तों कहा जा रहा है कि यू कुड हैव सेंट हिम अ मैसेज, कि आप उसको एक मैसेज भेज सकते थे। मैसेज अगर भेज देते तो कोई गलत फहमी नहीं होती, या जो भी बात कही जा रही है या उसको जानकारी मिल जाती, जो भी कहा जा रहा हो। तो यह कहा जा रहा है यू कुड हैव सेंट हिम अ मैसेज। ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस यू कुड हैव सेंट हिम। ऑब्जेक्ट है, अ मैसेज अदर वर्ड्स में आ रहा है जो कि मैसेज नाउन है। तो सेंड का मतलब होता है भेजना, SEND, सेंट का मतलब होता है भेजना, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है सेंट। तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है सेंट। यू कुड हैव सेंट हिम अ मैसेज, आप उसको एक मैसेज भेज सकते थे। उसके बाद ऐसे दूसरा सेंटेंस बनाया कि ही कुड हैव गिवन मी मोर टाइम। कोई अपने लिए कह रहा है कि वो मुझे थोड़ा सा और वक्त भी तो, और समय भी तो दे सकता था। अगर उसने समय दे दिया होता और, तो शायद मेरा काम और भी अच्छा हो गया था, जो भी उसको कहना हो। तो कहा जा रहा है ही कुड हैव गिवन मी मोर टाइम। ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस ही कुड हैव गिवन मी। ऑब्जेक्ट है, मोर टाइम अदर वर्ड्स में आ रहा है, और ज़्यादा समय। गिवन, गिव का मतलब होता है देना और गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन। तो यहाँ उसी का इस्तेमाल हुआ, ही कुड हैव गिवन मी मोर टाइम। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, जितने पैसे उनके पास थे या उनको मिले थे
उससे वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, बट शायद उन्होंने किया नहीं। ये कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और उसके थर्ड फॉर्म है स्टार्टेड। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये सेंटेंस बनते हैं। इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं तो दोस्तों पहले दिन से कहता आया हूँ कि इंग्लिश में लिखना या बोलना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने चैनल पर आपको दुनिया के जितने भी सेंटेंस जो हिंदी में हम बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है ये मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नई बात बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।